welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Amolpreet Kaur. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. सो गाइज, जब पे हम आ जाए हैं वो है रवालसर सिटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है. सो चलिए, आप हमारे साथ इंजॉय कीजिए. सो गाइज, ये है रवालसर लेक का व्यू, देख सकते हो आप. वो टेंपल भी देख सकते हो आप. वो टेंपल बहुत ही फेमस है, रवालसर की शान है. मतलब वही टेंपल बहुत मशहूर है. ये तिब्बतों का टेंपल है एंड बहुत ही माना हुआ टेंपल है. और ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया गया है सच्ची. और ये पूरा मतलब सिटी बहुत ही सुंदर लगती है, जैसे आप देख सकते हो. मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ. ये देखिए मछलियाँ, कितनी सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे. पूरे लेक में बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी, जो कि निकलने की कोशिश कर रही हैं. एंड या ये ग्रास का भी बहुत मतलब कि थोड़ा मतलब बहुत मिस्ट्री सी ग्रास है. ये कहीं भी मतलब तैर के चल जाती हैं, बट मिस्ट्री ग्रास. सो गाइस, यहाँ पे मतलब बहुत सारे कैफेज हैं छोटे छोटे, जहाँ पे मोमोज, सिड्डू, चाउमीन, बर्गर एंड काफ़ी कुछ मिलता है, जो कि बहुत ही टेस्टी. वैसे तो रवालसर फेमस मोमोज के लिए है ज़्यादा, क्योंकि मोमोज यहाँ पे बहुत मिलते हैं. और देखो, कुत्ता जा रहा है गर्मी में. और देख सकते हो. एंड या ये फ्लैग भी बहुत फेमस है यहाँ के, इनके कल्चर के. और ये छोटे छोटे मंदिर हर रास्ते पे बनाए हुए हैं अकॉर्डिंग टू तिब्बत. चलो हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं. और ये फ्लैग्स बहुत मैंने देखे, मतलब ब्रिजेस पे भी जाओगे ना अगर आप, तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे. गाइस देख सकते हो, पूरे यहाँ पे फ्लैग्स ही फ्लैग्स हैं. एंड या इनको घुमाना मतलब लकी होता है. ये तिब्बती लोग मतलब सभी इनको घुमाते हैं, क्योंकि इनके लिए लकी होता है. एंड ये फ्लैग्स हम समझ नहीं पाएंगे उनकी लैंग्वेज में लिखा है, बट या ये पूरी ऐसी लाइन होती है, इनको घुमाते जाओ घुमाते जाओ. एंड यार, ड्रैगन इनका मेन है, हर इनकी चीज़ में ड्रैगन होता है. आई डोंट नो, मतलब मैं इतना कल्चर के बारे में नहीं पता, बट हाँ, जितनी बार भी मैं यहाँ आई हूँ, मैंने ये देख, सारी लाइन में ऐसा ही है. एंड ये भी स्पेशल होता है, ये लास्ट में घुमाते हैं जैसे कि. सो चलिए, अब हम नीचे चलते हैं. वैसे अंदर भी है दलाई लामा जी की फ़ोटो, एंड देख सकते हो नीचे भी लिखा हुआ कुछ पड़ा है. एंड ये वही वाली मूर्ति है जो वहाँ पे मैंने आपको. गाइस, इस लाइन में बहुत सारे कैफेज हैं, जिसके मैंने बताया यहाँ पे मोमोज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है. और हाँ, यहाँ पे मतलब मौसम थोड़ी देर गर्मी होती है, बट थोड़ी देर गर्मी के बाद यहाँ पे बारिश पड़ जाती है और फिर मौसम ठंडा हो जाता है, मतलब ज़्यादा देर गर्मी नहीं रहती. एंड ये इनका मौसम रवालसर का बहुत ही अच्छा है, और मेरी फेवरेट प्लेस है सच्ची है. मैं सबसे पहले यहीं आने की ज़िद करती हूँ. सो इस बार हम लास्ट में आए हैं ताकि हम इंजॉय कर पाएँ पूरा. एंड सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत एंटीक चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे कि इनके छोटे छोटे स्टैचूज एंड कितनी सारी एंटीक चीज़ें हैं इनके पास. अंदर तो शूट नहीं कर सकते, पर आप बाहर से ही देख सकते हो कितनी सुंदर चीज़ें होती हैं इनके पास. सो गाइस, ये है इनका सबसे बड़ा टेंपल, जैसे कि आप देख सकते हो. एंड यहाँ पे मतलब स्टे भी कर सकते हैं. यहाँ इनके बहुत अच्छे रूम है, यहाँ पे बहुत क्लीन रूम है. लोग वैसे यहाँ ही रहते हैं जो भी आते हैं, होटल्स में तो चलो कम ही रहते हैं. देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं अंदर, बहुत लोग रहने आते हैं. और ये देखिए, मैंने कहा था इनके जो फ्लैग्स हैं
इनका पूरा ऐसे कुछ नहीं कह सकते। और ये जोत जगी हुई है बहुत ही बड़ी। एंड या इनकी बेल है, ये हर मतलब स्पेशल इवेंट पे बजाई जाती है, ऐसे नहीं, इसे टच करना भी मना है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ हवा बहुत फास्ट चल रही है, देख सकते हो फ्लैग्स को देख के। ये है पूरी बेल, ये बहुत ही मतलब पुरानी बेल है। सो गाइस देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे लेक है जो कि लोग नीचे जाके फोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। वो रहा सामने गुरुद्वारा जहाँ पे हम अभी जाने लगे हैं, हम वहाँ पे जाएंगे गुरुद्वारा साहिब में। तो चलो फिर हम अभी चलते हैं। और ये पार्क है, पहले हम थोड़ी पार्क में फ़ोटोज़ वगैरह खींच लें, उसके बाद हम चलते हैं गुरुद्वारे साहिब में। अभी तो मैं घूमते घूमते थक गई हूँ क्योंकि बहुत मतलब पूरा राउंड लगाना पड़ता है यहाँ का। एंड फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। सो गाइस ये रहा पार्क अंदर का, देख सकते हो। मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, मतलब लोग फोटोज़ खींच रहे हैं। एंड नीचे अब भी हम लेक के पास जा रहे हैं। बटरफ्लाई कितनी सुंदर है देखना। हाँ इस पूरे गार्डन में देखो बटरफ्लाईज, ड्रैगन फ्लाइज। देख सकते हो लेक है पूरा।